फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है एक और न्यू वीडियो पर। तो फिलहाल में देख सकते हैं कि अभी हम लोग हैं मोकामा के साइड में, और आप लोगों को पता है कि मोकामा से लेके जो बख्तियारपुर तक 4 लाइन है वो स्टार्ट होने वाला है, और स्टार्ट तो दिसंबर में होने वाला है, लेकिन कुछ कुछ काम है जो रुकी हुई थी। और भाई ये जो मोकामा का 4 लाइन है वो कनेक्ट करेगी बेगूसराय से, तो भाई बेगूसराय से कनेक्ट करेगी तो बीच में आती है अपने बिहार का प्रथम जो रेल मार्ग था, जो रेल पुल था वो है। तो अभी जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं वो चेक कर सकते हैं, ये है राजेंद्र पुल, जिसका बनाया गया था 1956 में, इसका उद्घाटन किया गया था, और इसका उद्घाटन किए थे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री और बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण सिंह थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। और वो सामने देख सकते हैं, जैसा मैंने ड्रोन शॉट में भी दिखाएंगे कि वो जो पुल है वो इस जनरेशन के लिए बनाया गया है, और वो 4 लाइन पुल नहीं है, वो 6 लाइन पुल है, और उसका जो लगभग काम है वो पूरा हो गया, और जो थोड़ा थोड़ा जो आरोपी करके जोड़ना है वो काम बाकी है। और साथ में ऐसा नहीं है कि इस पर जो पुल पर हम खड़ा है, इस पर ये तो डबल लाइन था जिससे एक लाइन में गाड़ी अप एक गाड़ी डाउन होती थी, लेकिन इसके नीचे एक रेल पुल है जिससे सिंगल लाइन होने के कारण एक नया रेल पुल बनाया जा रहा है। उधर था अब चेक कीजिएगा, जब वो रेल पुल बन जा के रेडी हो गया ऐसा संभावना है, और जो इसका कंपनी बना रही है उसका कहना है कि ये जो पुल है वो दिसंबर तक हो जाएगी, क्योंकि 19 पिलर का ये पुल हुआ है बन रहा है, और जिसमें से 11 पिलर का काम हो चुका है। और देख सकते हैं कि अभी गंगा जी हैं जो उफान पर है, फिर भी यहाँ पर काम है जो जोड़ों तोड़ों से लगा हुआ है, और ये भी पुल पर है जो देख सकते हैं कि हमारे पीछे जितना भी वर्कर लोग हैं जो काम पे लगे हुए हैं। तो चलिए एक प्यारा सा ड्रोन शॉट लेते हैं और आप लोग को और भी जानकारी दिखाते हैं। गाइज, तो फिलहाल में गाइज जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोग बिहार का प्रथम रेल पुल पर, और नीचे जो जिसमें सिंगल ट्रैक से होकर मोकामा से लेकर हथिंदा तक और मोकामा से लेकर बेगूसराय के लिए ट्रेन चलती थी, अगर ये पुल नहीं होता तो उत्तरी बिहार में और ये पटना की तरफ से कनेक्ट नहीं हो पाता। और वो जो पुल देख रहे हैं सामने, हमारा ड्रोन शॉट में भी पुल दिख रहा होगा, वो जो हावड़ा ब्रिज है उसी के थीम बेस पर वो पुल बनाया जा रहा है, और बेहद खूबसूरत पुल बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि 4 लाइन में बनाया जा रहा है, वो 6 लाइन बनाया जा रहा है। और ये जो अभी पुल पर खड़ा है जिसका 1956 में जो पुल बनाया गया था वो पुल पर है, लेकिन उस समय से कारण ये बिहार का प्रथम पुल हुआ करता था और अभी जर्जर हो गया है, उसी को अपग्रेड करने के लिए वो पुल बनाया जा रहा है। और जो नीचे अपग्रेड करने के लिए उधर सिंगल के लिए नहीं, उधर डबल लाइन के लिए पुल बनाया जा रहा है, उस पर एक नहीं दो दो रेलगाड़ी एक बार में डाउन होगी अप होगी और निकलेगा। अभी ऐसा है कि जब इस पर ट्रेन चलती है तो एक मतलब पास लाइन देने के लिए एक को रोकना पड़ता है, एक को निकालना पड़ता है, लेकिन जब वो पुल बनकर रेडी हो जाएगा तो अप डाउन दोनों ट्रेन करेगी, और साथ में ये भी पुल ऑन रहेगा जिससे मालगाड़ी आवाजाही करेगा और ट्रेन भी साथ में आवाजाही करेगा। और ये भी जो पुल देख रहे हैं, ये पुल पर बड़े गाड़ी का आना जाना अभी बंद है, क्योंकि ये पुल थोड़ी सी जर्जर हो गई है और अभी इसका काम जोर तोर से कराया जा रहा है, क्योंकि पुल भाई
बचा रहेगा तो और सुविधा के लिए रहेगा। और जब वो पुल बन के रेडी हो जाएगा तो जितना भी आन मतलब यहाँ का मनुष्य लोग हैं, यहाँ का जो जनजीवन है और भी आसान हो जाएगा। और में गाइज ये खूबसूरत सा अपडेट जो मोकामा से लेके बेगूसराय के बीच में पुल बन रहा है उसको आप लोगों को कैसा लगा? और एक प्यारा सा आपने ड्रोन शॉट भी देखा होगा, कितना खूबसूरत यहाँ का ड्रोन शॉट था जो। और ये जो पुल बन रही है वो लगभग काम हो गया, जो खाली रेलवे ब्रिज है उसका 6 से 7 पिलर और बनाना है। जो वो बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ के आम मानस लोग यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं, सुविधा के इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक काम कंप्लीट हो जाएगा और आम लोग के लिए खोल भी दिया जाएगा। और भाई बेहद खूबसूरत पुल है। तो साथ में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट अपडेट के लिए भी साथ में बने रहिएगा और इसी तरह प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।